नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, या आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं, वो है कि हम डिजीमेल का पासवर्ड किस प्रकार से रीसेट करें। दोस्तों, हमारे सभी दोस्तों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि वो अपना डिजीमेल का जो पासवर्ड है वो भूल चुके हैं, या जिनको अभी तक डिजीमेल का आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है, तो वो अपने डिजीमेल के आईडी और पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं, अपनी डिजीमेल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका पासवर्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आप सभी दोस्तों को उसी के बारे में बताऊँगा कि हम डिजीमेल का जो पासवर्ड है वो कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे वीडियो के नीचे प्ले होने वाले इस प्रकार से सब्सक्राइब के बटन पर आप क्लिक करेंगे और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा जो ये वीडियो प्ले हो रहा है, इसके ठीक नीचे सब्सक्राइब का इस प्रकार से एक बटन है, जिसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब हो जाओगे। और दोस्तों, इसी के नज़दीक ही एक बेल का आइकन भी यहां पर बना आता है, जिसके ऊपर आप क्लिक करना न भूलें, क्योंकि जब तक आप उस बेल के आइकन के ऊपर क्लिक नहीं करोगे, तब तक आपको हमारे जो चैनल की वीडियोज हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी कि हाँ, मैंने भाई आपके लिए ये वीडियो है जो अपलोड किया है। तो आप उसे बेल के आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो दोस्तों, सबसे हमारे सभी दोस्तों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम डिजीमेल का पासवर्ड कैसे रीसेट करें, क्योंकि अभी तक कोई भी इस नए, क्योंकि जो डिजीमेल का जो सॉफ्टवेयर है वो नए आ चुके हैं, और डिजीमेल का जो लिंक है वो भी नया आ चुका है, जिसके ऊपर अभी तक किसी ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिसके माध्यम से कि हम उसमें अपना डिजीमेल का पासवर्ड रीसेट कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको मंत्रा के माध्यम से डिजीमेल के पासवर्ड रीसेट करके बताऊंगा। तो कहां से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं और किस प्रकार से आपको उन्हें इंस्टॉल करना है, उन सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना है, कहीं से भी आपको इसको स्किप नहीं करना और इसे मिस नहीं करना है। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, कई मेरे दोस्त होते हैं जो कि मेरे वीडियो को देख करके तुरंत ही उस वीडियो के अंत में पहुंच जाते हैं और जल्दी से देखते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर कहां से डाउनलोड करते हैं, और वो पूरा वीडियो नहीं देखते, तो उनके कंप्यूटर में सही ढंग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाते, और बाद में वो नीचे गलत कमेंट्स करते हैं कि ये तो वीडियो फेक है, या इस वीडियो में कोई दम नहीं है, क्योंकि जब आपने पूरा देखा ही नहीं तो आप कैसे इंस्टॉल करोगे। तो इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा कि कहां से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, कैसे इंस्टॉल करने हैं, और किस प्रकार से आपको अपना डिजीमेल का पासवर्ड रीसेट करना है। तो दोस्तों, चलते हैं हम उस साइट के ऊपर। आपको दोस्तों एक तो बात ध्यान रखना है कि यदि आपको डिजीमेल का पासवर्ड रीसेट करना है, तो आपको क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र में ही आप, क्योंकि मैंने मोजिला में चेक नहीं किया और मोजिला में चलता भी नहीं है, मैंने चेक कर लिया थोड़ा बहुत, लेकिन उसके अंदर काम नहीं करता ये ट्रिक है। तो आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र खोलना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है और इस साइट के ऊपर आना है जहाँ पर आपको डिजीमेल रीसेट करना है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको सॉफ्टवेयर कहां से डाउनलोड करने हैं। तो दोस्तों, आपको इस साइट के ऊपर आना है, मीडियाफायर की ये साइट है, इसके ऊपर आना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। कुछ मेरे दोस्तों को डिस्क्रिप्शन के बारे में भी पता नहीं होता कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, आपने जो वीडियो दिखाया उसमें कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, या हमें ये लिंक नहीं मिला। तो डिस्क्रिप्शन का भी आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे मेरा कोई भी वीडियो प्ले होता है, उसके ठीक नीचे मैंने कुछ अपने चैनल के बारे में लिखा होता है, उसी के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा नीले कलर में, मीडियाफायर का। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, इस यहाँ पर लिखा हुआ है मंत्रा फॉर SSO एंड DG पे इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है। डाउनलोड
यानी कि ये 22.93 MB की फाइल है, तो मैंने इसे मैंने ही इसे मीडिया फायर की साइट के ऊपर डाला है, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। और मैंने इसे चूँकि मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है या मैंने इसे डाला है, तो मुझे इसको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ अपना सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर आपको ये एक जो है जिप फाइल मिलेगी, उसके अंदर आपको दो सॉफ्टवेयर मिलेंगे, एक तो मंत्रा आरडी सर्विस का और एक एमएफएस हैंडर्ड क्लाइंट सर्विस का। तो आपको क्या करना है, इन दोनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले जो आप इंस्टॉल करोगे वो करोगे मंत्रा क्लाइंट सर्विस का सॉफ्टवेयर, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आपके कंप्यूटर में जो भी पहले से मंत्रा के जो सॉफ्टवेयर हैं वो यदि इंस्टॉल्ड हैं तो आप उनको अनइंस्टॉल कर दें। अनइंस्टॉल करते वक्त आपकी मंत्रा आपके कंप्यूटर में लगी होनी चाहिए, और सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने के बाद में एक बार आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें, उसके बाद में नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, तब भी आपकी मंत्रा लगी होनी चाहिए। और पहला सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है वो मंत्रा का क्लाइंट सर्विस वाला है, इसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आपको मंत्रा आरडी सर्विस इंस्टॉल करना है। ध्यान रखना दोस्तों, आपको इसी क्रम में डाउनलोड करना है, पहले आपको मंत्रा क्लाइंट वाला करना है और उसके बाद में मंत्रा आरडी वाला सर्विस वाला आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। इन दोनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद में आप अपने कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट करें। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे, मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं, तो आपको इसी प्रकार यहाँ से इंस्टॉल करने हैं। और बाद में आपको आना है क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ आपको इस साइट पे आना है जहाँ से आपको डिजीमेल का पासवर्ड रीसेट करना है। इस साइट के ऊपर आने के बाद में आप इस साइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि किसी को पता नहीं हो तो, कईयों को इस साइट के बारे में पता नहीं होता कि हम डिजीमेल का पासवर्ड रीसेट कहाँ से करें, कौन सी साइट से करें, तो आपको इस साइट के ऊपर आना है और यहाँ लिखा हुआ माई अकाउंट, इस माई अकाउंट में आपको अपने आधार नंबर लिखने हैं, जैसे मैंने अपने आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर फिंगरप्रिंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिंगरप्रिंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके नीचे आपको कैप्चा लगाने हैं, तो मैं कैप्चा लगा देता हूं। अब आपको यहां सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपको रिडायरेक्ट करके ये एक नई साइट के ऊपर ले जाएगा। तो आपको इस साइट के ऊपर आना है। देखिए दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं कि यहां टाइमिंग शुरू हो चुकी है कि सेशन एक्सपायर्स इन, आपको मिनट दिखा रखे हैं कि 14 मिनट और 56 सेकेंड, इस प्रकार से आपको टाइमिंग दिखाएगा। तो आप देखते रहना, मैं कोई भी वीडियो इसको स्किप नहीं करूँगा। तो आपको इस साइट के ऊपर आना है और यहाँ जो यहाँ पर ये जो मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर आप एक गुड का मार्क लगा देंगे। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ स्टार्ट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो मंत्रा, ये देखिए कैप्चरिंग फिंगरप्रिंट, तो यहाँ मेरी मंत्रा में लाइट जल चुकी है और मैं इस मंत्रा के ऊपर अपने फिंगर लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, वैलिडेटिंग फिंगरप्रिंट, यहाँ पर टाइमिंग भी आप देख सकते हो, तो ये नया पेज आपके सामने ओपन हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये मेरी डिजीमेल आईडी है और यहाँ आप न्यू पासवर्ड लगा सकते हैं और यहाँ कन्फर्म पासवर्ड करके आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पासवर्ड रीसेट हो जाएंगे। यहाँ डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको डिजिटल सेवा पोर्टल के जो आईडी है वो दिखाई दे जाएगी। यहाँ से आप अपने ओल्ड पासवर्ड लगा सकते हो और नए पासवर्ड यहाँ से रीसेट कर सकते हो। तो देखा दोस्तों, किस प्रकार से हम डिजी मेल के आईडी और पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं, पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, डिजी मेल के आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने डिजी मेल के पासवर्ड रीसेट कर लोगे तो आप डिजी मेल का उपयोग करके अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के भी आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, शायद मुझे लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक ज़रूर करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि इसके बाद में भी आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो कि सर हमारे तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं और हमें आप कुछ मदद दो, तो मैं आपको मदद करूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें, कृपया मुझे केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें, क्योंकि मेरा कॉल नहीं लगता,
या लगभग कई बार क्या होता है कि मैं काम में होता हूँ तो आपका कॉल नहीं उठा पाता, तो आप कृपया मुझे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर करें जिससे मैं आपकी मदद कर सकूँ। आप कमेंट ज़रूर करें कि मेरा वीडियो पसंद आया या नहीं आया, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मैं आप सभी को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।